चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा फिल्म पॉलिसी जो बनी है जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों में काफी फिल्में यहाँ शूट हुई हैं। फिल्म सिटी के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी लोगों के लगातार हम संपर्क में है। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है स्थानीय नौजवानों के लिए, उसमें विशेष प्रावधान हमने किए कि वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। और मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी मुझे खुशी है उतनी बाकी लोगों को भी खुशी है हो, और वो आके यहाँ पे सिनेमा देखें उसी लग्जरी में जिस लग्जरी में उनको देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो सिनेमा से बेहतर होता यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सोचा जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कब से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अपनी नौकरी के लिए रो रहे हैं। डेली वेजर्स की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, तो बेहतर होता सिनेमा हॉल खोलने से अच्छा था अगर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ खुल जाती, तो यहाँ के बेरोज़गार जो है वो उसमें अपना रोज़गार कमाते। तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे घरों में ही आज हमें दस्तियाब है, या आपके मोबाइल पे आप कोई भी मूवी देखना चाहेंगे वो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे अपने मोबाइल पे या अपने टीवी पे। इसमें एक मुख्तलिफ सी चीज़ यही है कि स्क्रीन पे आपको बहुत बड़ा व्यू दिखता है, यही एक नई बात है।
कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, क्योंकि हर एक चीज़ की एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। फिलहाल तो एडवांटेजेस ही दिखाई दे रही है, क्योंकि कश्मीर में एंटरटेनमेंट का कोई और ज़रिया नहीं था। अब सिनेमा हॉल्स खुलने वाले हैं, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में है, शायद वहाँ पर कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है।